तो आज हम बात करने जा रहे हैं पबजी के बारे में। आखिर पबजी है क्या? यंगस्टर लोग इतना पागल क्यों हो पड़े हैं पबजी के पीछे? पबजी में आखिर क्या है ऐसा? क्या हम लोगों को कुछ मिल जाता है वहाँ पे? नहीं। कुछ खाने को मिलता है? नहीं। पागल होने को मिलता है? हाँ, पागल होने को मिलता है। पबजी पागल बनाता है लोगों को। तो आज हम देखेंगे पबजी के कुछ ऐसे ही किस्से। तो पबजी से पहले आखिर क्या हुआ करता था? जैसा कि मुझे पता है, दो ही चूतिए गेम थे, एक है काउंटर स्ट्राइक और दूसरा मिनी मिल्टिया और मिलिशिया, जो भी तुम बोलना चाहो बोल लो। और उसके बाद कोई अगर था तो आई थिंक वो डोटा टू था। पर अभी हर जगह बस एक ही गेम का नाम चल रहा है, वो है पबजी मोबाइल, और वो प्ले स्टोर पे फ्री में अवेलेबल है, जो कि सबसे बुरी बात है। चलो मैं तुम लोगों को एक कहानी बताता हूँ। जब पबजी मोबाइल रिलीज हुआ, मैंने अपने दोस्तों को कहा, हाय तुमने पबजी मोबाइल खेला है? वो बोलते अरे यार अपनी माँ मत चोदाओ। हम कहते अपनी माँ मत चोदाओ। पर वही दोस्त आज पबजी में लगे पड़े हैं। तो आखिर क्या है ऐसा पबजी में जो उनको मजबूर कर दिया मिनी मिलिशिया छोड़ के पबजी में आने को? चलो ये हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करवा देते हैं पबजी से। तो पहले गेम शुरू होता है एक टूटा हुआ एयरफील्ड पे, जहाँ पे एक टूटा हुआ प्लेन रहता है और कुछ लोग नंगे होके एक दूसरे को मुक्के मारने में लगे हुए होते हैं। मुझे नहीं पता ये क्या है। उसके बाद 100 लोग एक ही प्लेन में बैठ के निकल पड़ते हैं एक मैप की ओर, एक आइलैंड की ओर, जिसका नाम है एरेंगल। पता नहीं ये जगह कहाँ पे है, मैंने तो अर्थ पे कहीं पे भी नहीं देखा। तुम लोगों को पता हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना जरूर। उसके बाद हम देखेंगे कुछ लोकेशन के नाम, कुछ ऐसे नाम जो कि आपके दिमाग को चुल मचाने में मजबूर करते हैं, जैसे कि लिपोप का, सवर्नी, मेरे को साला कोई आइसक्रीम का नाम जैसा लगता है ये, सवर्नी आइसक्रीम, एक बार खाइए और कान मराइए। अब आते हैं गन्स के ओर। गन्स के जहाँ नाम है ना, कमाल है, धमाल है, भोसड़ी का। अपनी गर्लफ्रेंड का नाम भूल सकते हो पर गन का नाम नहीं। सबको M4 चाहिए और कुछ चाहिए ही नहीं। तेरे दोस्त ने अगर तुझे मांगा M4 और तूने ना दिया तो भैया हो गया, दोस्ती खत्म, प्यार खत्म, सब खत्म। और साला जब भी मैं उतरता हूँ बहनचोद, मेरे को गन ही नहीं मिलता। मेरे पीछे जो उतरेंगे उनको मिलेगा पर मुझे नहीं। अब आते हैं हम सर्कल के ऊपर, कभी आगे कभी पीछे, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी दाएं कभी बाएं। अबे फिक्स कर ले कहाँ पे गिरने वाला है, कभी तो सपोर्ट में आओ, कभी तो दिखाओ। नहीं, हमको तो तुम्हारी मारनी है, मार लो। अब बात आती है ऑल चैट पे। कोई ना कोई भोसड़ी का वहां पे चाय बेच रहा होगा, चाय ले लो फ्रेंड्स, चाय लोगे? चाय 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 चाय। अबे भोसड़ी के नहीं चाहिए चाय, क्यों गांड में घुस रहा है? पर जब भी साला मैं उर्दू में कुछ बोलना चाहता हूँ, कोई ना कोई चूतिया मुझे बोलेगा, हे पाकिस्तानी है ना तू? अबे भोसड़ी के हर मुस्लिम पाकिस्तानी होना जरूरी है? और बहनचोद मैं मुस्लिम हूँ भी नहीं, मैं तो हिंदू हूँ, मैं मजाक में बोल लेता हूँ उर्दू थोड़ा बहुत, तुम बहनचोद बोल देता हो पाकिस्तानी हूँ, मैं तुमको पाकिस्तानी दिखता हूँ? साला फ्लैग में इतना बड़ा वाला इंडिया फ्लैग है, तुम लोग दिखता नहीं है, चूतिए हो तुम भोसड़ी के, लंड मेरा। आखिर में मुझे बस इतना बोलना है कि भैया जो भी है सही है, मस्त है, अजीब है, चूतिया है, पर सही है, और हमें ये खेलना पड़ेगा क्योंकि और कोई ऑप्शन भी नहीं है। तो बस भाई, अगर तुमको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर तो बिल्कुल ही करना भाई। ये मेरा पहला वीडियो है तो भाई लाइक तो चाहिए 100 और शेयर चाहिए 500। पता है मुझे ये पॉसिबल नहीं है पर मुझे भरोसा है तुम लोग कभी ना कभी तो कर ही दोगे। चलो इतना बोल के मैं रखता हूँ, सी यू ऑन द नेक्स्ट वीडियो।